हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, सबसे पहले आज चुनाव ड्यूटी में लगे हुए मैं अभी अपने सभी शिक्षक बंधुओं एवं मतदान कर्मियों को शुभकामनाएं देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि सभी को अपने घर सुरक्षित वापस करें, वापस आएं। और दोस्तों, एक राहत भरी खबर है, एक आदेश जारी हो गया है कि ड्यूटी के दौरान संक्रमित होने पर मतदान कर्मियों को मिलेगा 28 दिन का क्वारंटाइन अवकाश। तो आइए दोस्तों, हम आपको आदेश दिखाते हैं और इसके पीडीएफ की लिंक भी हम आपको दे देंगे ताकि आप ज़रूरत पड़ने पर इसे डाउनलोड कर लीजिएगा और आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश शासन श्रम अनुभाग 3 लखनऊ दिनांक 20 मार्च 2020 का यह आदेश है, अधिसूचना। चूँकि राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि राज्य कोविड-19 रोग के फैलाव से संकटग्रस्त है, जो कि खतरनाक महामारी है, और संप्रति प्रवृत्ति विधि के सामान्य उपबंध इस प्रयोजन हेतु अपर्याप्त हैं, अतएव अब महामारी अधिनियम 1897 अधिनियम संख्या 3 सन 1897 की धारा 2 के अधीन दी गई शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल निम्नलिखित विनियमावली विहित करती है। कोविड-19 से ग्रसित कर्मचारियों कर्मकारों जो कोविड-19 से संदिग्ध रूप से प्रभावित हों और पृथक्करण में रखे गए हों को उनके नियोजकों द्वारा 28 दिन का भुगतान युक्त अवकाश प्रदान किया जाएगा। तो इस लाइन से आप समझ सकते हैं दोस्तों, नियोजकों द्वारा अर्थात जिन्होंने आपका नियोजन किया है, आप चाहे सरकारी कर्मी हों चाहे आप जो है प्राइवेट कर्मी हों, ऐसा इसमें नहीं लिखा है कि यहाँ सरकारी को मिलेगा या प्राइवेट को ही मिलेगा, यानी सबको ऐसा अवकाश केवल तभी अनुमन्य है होगा जब ऐसे कर्मकार या कर्मचारी स्वस्थ होने के पश्चात अपने नियोजक या प्राधिकृत व्यक्ति को चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रदान प्रस्तुत करेंगे। ऐसी दुकानों, वाणिज्यिक अधिष्ठानों, कारखानों जो कि राज्य सरकार या जिला मजिस्ट्रेट के आदेशों से अस्थायी रूप से बंद हैं के कर्मचारियों कर्मकारों को ऐसी अस्थायी बंदी अवधि के लिए उनके नियोजकों द्वारा मजदूरी सहित अवकाश प्रदान किया जाएगा। ऐसी समस्त दुकानों, वाणिज्यिक अधिष्ठानों, कारखानों जहां 10 या उससे अधिक कर्मकार नियोजित या योजित हों को उक्त अधिष्ठानों के सूचना पट और मुख्य द्वार पर कोविड-19 की रोकथाम के लिए केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा विहित सुरक्षा उपायों को प्रदर्शित करना होगा। यह आदेश इस अधिसूचना को जारी किए जाने के तत्काल पश्चात प्रवृत्त होगा। आज्ञा से सुरेश चंद्र, प्रमुख सचिव। तो दोस्तों, यह रहा आदेश। अगर आपको ड्यूटी के दौरान ऐसे लक्षण प्रतीत होते हैं तो आप जो है 28 दिन का क्वारंटाइन अवकाश आप ले सकते हैं और बाद में जो है आप मेडिकल लगा करके आप जमा कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये 28 दिन का जो क्वारंटाइन अवकाश है ये अलग से होगा। अब क्वेश्चन ये है कि मानव संपदा सबसे हर जगह तो आड़े आ जाता है मानव संपदा, क्योंकि मानव संपदा पर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। तो उस पर आप देखिएगा कि कोई अगर स्पेशल लीव का कालम है, अगर मानव संपदा पर स्पेशल लीव है तो आप स्पेशल लीव में जा कर के यहाँ पर जो है इस प्रकार का अवकाश ले सकते हैं और वहाँ पर टिप्पणी में आप लिख दीजिएगा क्वारंटाइन अवकाश। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ कि मेरी यह छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि मैं आज भी कुछ आवश्यक वीडियोस डालने वाला हूँ मतगणना से संबंधित। तो मिलूँगा आपसे नेक्स्ट बड़ी वीडियो में। नमस्कार।